नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी समेत ऐसे कई पौधे हैं जिन्हें पवित्र और पूजनीय माना जाता है। माना जाता है जिस घर में ये पौधे हरे भरे होते हैं वहां कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं होती। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। वहीं आपको बता दें कि तुलसी की तरह ही इन पौधों का भी सूखना शुभ नहीं माना गया है। जिस तरह शास्त्रों में तुलसी का सूखना धन हानि का संकेत होता है, उसी तरह इन पौधों का भी सूखना अशुभ संकेत देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि तुलसी के अलावा ऐसे और कौन से पौधे हैं जिनका सूखना जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं उन पौधों के बारे में। पहला पौधा है शमी का। हिंदू धर्म में शमी के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है। बता दें कि ये पौधा भगवान शिव व शनिदेव को अति प्रिय है। शमी के पौधे को घर में लगाने से न सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। इसको लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यदि ये पौधा अचानक सूखने लगे तो ये शनि की खराब स्थिति का संकेत होता है, जिसके कारण आपको कामों में बाधा आती है और धन की भी हानि होती है। इसलिए अगर ये पौधा सूखने लगे तो इसे तुरंत हटा दें और इसकी जगह शमी का दूसरा पौधा रोप दें। मान्यता है कि घर में लगा मनी प्लांट अगर हरा भरा हो तो उस घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती, तो वहीं अगर घर पर लगा मनी प्लांट सूख रहा हो तो ये अशुभ संकेत होता है। मनी प्लांट का सूखना घर में दुर्भाग्य लेकर आता है, जिससे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि इसके पत्ते कभी भी सूखने और मुरझाने नहीं चाहिए। अगर मनी प्लांट के पत्ते सूखने लगे हैं तो उसमें पानी दें और सूखी पत्तियों को निकाल दें। कटिंग का काम कभी भी किसी दूसरे से ना कराएं बल्कि खुद करें, नहीं तो आपका सारा धन दूसरे के पास चला जाएगा। अगले पौधे के तौर पर आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर, आंगन और बालकनी में अशोक का पेड़ या पौधा लगा होता है वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं मान्यता है कि अगर घर में लगा अशोक का पेड़ अचानक सूख जाए तो इसे घर की सुख शांति भंग होने का संकेत माना जाता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े व कलह कलेश का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी अचानक ये पौधे सूखने लगे हैं तो इसे तुरंत हटा दें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।